तो iRobot ने लॉन्च किया i7 और i7+। ये दोनों के दोनों रोबोट्स हैं जो वैक्यूम क्लीनिंग का काम करते हैं। इस रोबोट को आप अपने घर में छोड़ दो, ये अपने आप ही आपके घर को समझ के, आपके घर के नक्शे को याद करके साफ़ करता रहेगा। हर एक नक्शे को ये याद कर लेता है और उसी हिसाब से उसको फिर साफ़ करता है। कहीं पे अगर इसको धूल ज़्यादा मिले तो उस हिस्से में जाके ये ज़्यादा क्लीनिंग करता है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इट इज़ कैरिंग विद इटसेल्फ। तो ये था iRobot का Roomba i7+। अब इसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। Roomba i7+ में आपको क्लीन बेस मिल रहा है विद एन ऑटोमेटिक डर्ट डिस्पोजल। Roomba i7+ में एबिलिटी है कि ये कई सारे फ्लोर प्लान्स और रूम नेम्स को स्टोर कर लेगा, जिससे कि एक बार इसने कमरे को जांच लिया, उसके बाद उसका पूरा का पूरा नक्शा इसके डेटाबेस में सेव हो जाता है। और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो iRobot HOME ऐप से। एक बार क्लीनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये सारा का सारा डर्ट एम्प्टी कर देता है अपने क्लीन बेस में, और यही क्लीन बेस एक बार में 30 बिन्स के डर्ट को अक्यूमुलेट कर सकता है। उसके बाद एक बार ये पूरी तरीके से भर जाए आपको एक अलर्ट मिलेगा, जिसके बाद आप इसको क्लीन आउट कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट मैपिंग की एबिलिटी है, जिससे ये 10 अलग अलग प्रकार के फ्लोर प्लान्स को पूरे तरीके से याद कर सकता है, और आप नाम लेके इसको बता सकते हैं कि आप कौन सा कमरा चाहते हैं ये रोबोट आपके लिए साफ कर दे। हर कमरे का नक्शा इसके अंदर एग्जैक्टली सेव हो जाएगा। iRobot का पेटेंटेड iAdapt 3.0 नेविगेशन, जिसमें vSLAM टेक्नोलॉजी दी हुई है, इससे ये नेविगेट कर पाता है अलग अलग कमरों के अंदर, और हर एक कमरे को साफ करने का जो तरीका है वो भी इसके अंदर इनबिल्ट है। Roomba i7+ को आप Alexa इनेबल्ड डिवाइसेस से भी कंट्रोल कर सकते हो विद द सेम वे दैट यू ऑपरेट एनी Alexa डिवाइस। कंपनी का दावा यह है कि Roomba i7+ में हाई एफिशिएंसी फिल्टर मिल रहा है, जो 99% तक के पॉलन, मोल्ड, डस्ट माइट्स, कैट एंड डॉग एलर्जेंस, इन सब को कैप्चर कर पाएगा और कमरे को साफ रखेगा। रोबोट में कई सारे सेंसर्स भी दिए हुए हैं, जिससे ये ज़्यादा गंद जहाँ पे इकट्ठा हुआ है उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो जैसा आपने देखा, ये जो रोबोट है छोटा सा है और घर में अपने आप घूमता रहता है। कहीं पे भी अगर इसको इस तरीके का अंदेशा मिले कि कहीं पे ड्रॉप है तो ये अपने आप रुक जाता है। इट वॉन्ट गो पास्ट स्टेयर्स। अगर कहीं पे इसको धूल ज़्यादा दिखे तो वहाँ पे ये अपने आप क्लीनिंग करेगा। आपका किचन है, आपको सिर्फ इसको बोलना है क्लीन माई किचन, ये अपने आप जान के कि किचन आपका घर में कहाँ पर सिचुएटेड है वहीं पर जाके ये क्लीनिंग अपने आप करेगा किचन के हिसाब से। तो इट इज़ क्लियरली इक्विप्ड विद अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कीमत जो है i7 की रखी गई है 69,900 और i7+ की रखी गई है 89,900। ये दोनों ही डिवाइसेस आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे।